अर्जुन कपूर ने बीबीसी रिपोर्टर से बात करते हुए काफी सारी बॉलीवुड से रिलेटेड और अपनी जिंदगी से रिलेटेड काफी सारी बातें करी। अर्जुन कपूर ने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि बॉलीवुड में आने के बाद उनके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है तो वो कभी बॉलीवुड में कदम ही नहीं रखते। ऐसा उन्होंने क्यों कहा तो आप चलते हैं और सुनते हैं अर्जुन कपूर की जुबानी। सबूत नहीं कर सकता ना कि आई कन्विंस यू मैं आपके जैसा हूँ, शायद मैं नहीं हूँ आपके जैसा बिल्कुल, पर वो मेरी गलती थोड़ी ना है। माय पेरेंट्स डिड वेल एनफ टू गिव मी अ लाइफ, आई डिडंट नो एनी बेटर। मुझे अगर पता होता कि 10 साल बाद वो भारी पड़ेगा तो शायद फिर ये प्रोफेशन में नहीं घुसता, बट आई डिडंट नो दिस प्रोफेशन वाज ऑलवेज गोइंग टू बिकम अबाउट प्रिविलेज। एक विलन रिटर्न्स में अपने किरदार को लेकर अर्जुन कपूर ने कहा कि मैं बड़े पर्दे से बहुत लंबे समय से दूर था, मेरी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही थी, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था कि लोगों को मैं बड़े पर्दे पर पसंद आऊंगा या नहीं, लेकिन लोगों का यानी हमारा रिस्पॉन्स देख कर वे बहुत खुश हैं। फिर अर्जुन कपूर से पूछा गया कि जब आप काम नहीं कर रहे थे और बॉलीवुड से दूर थे तो क्या लोगों का आपके लिए रवैया बदला, ऐसा उन्होंने क्यों कहा तो आप चलते हैं और सुनते हैं अर्जुन कपूर की जुबानी। नहीं रवैया नहीं, सिंपल सी बात है यार, अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपको एक तरह की फिल्में ऑफर होंगी, अगर आप थोड़े कम सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो उस समय में तो एक तरह की फिल्में ऑफर होंगी या कुछ कम फिल्में ऑफर होंगी, आपके चॉइसेस बदल जाते हैं बिकॉज ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जब आपकी फिल्में चल रही है तो यू कैन पिक मे बी फ्रॉम द बेस्ट, जब फिल्में नहीं चलती तो यू कैन पिक फ्रॉम द रेस्ट। रवैया इतना बदला नहीं जेन्यूनली कहूँगा तो, कहीं ना कहीं यू नो आई एम फ्रॉम हियर तो मुझे आदत है, मैंने सक्सेस फेलियर बहुत करीब से देखा है तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे आसपास के लोग कौन सच्चे और कौन झूठे, वैसे ही मैं उन चीज़ों में काफ़ी माहिर हूँ, मैं परख लेता हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों को घुसने नहीं देता अपनी ज़िंदगी में। तो मैं ये नहीं कह सकता कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो करीबी लोग हैं उनका बर्ताव बदला, क्योंकि मैंने कभी उनको मौका ही नहीं दिया टू बी दैट एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव, मैं हमेशा एक डिस्टेंस बना कर रखता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।